हेलो बंधुरा, आशा करता हूँ आप सब फिट फाइन और सेफ हैं। मैं आज आपको बॉक्सिंग के कुछ बेसिक स्किल बताऊंगा कि कैसे इसके पंचिंग्स होते हैं। तो बॉक्सिंग्स में बेसिकली चार मेन पंचेस होते हैं और इसी का ही पूरा वेरिएशन होता है जो पूरे मैच में आप दिख जाते हैं। ये बॉक्सिंग वर्कआउट कार्डियो के तौर पर बहुत खास है। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वर्कआउट करें बहुत ही एनर्जी के साथ, फिर रेस्ट करिए, फिर से आप वर्कआउट करिए। इसको बोलते हैं एक HIIT या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के तौर पे आप बॉक्सिंग को यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर बॉक्सिंग पंचिंग बैग ना हो, ग्लव्स ना हो, तो आप शैडो प्रैक्टिस के द्वारा भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको 1 मिनट के लिए अपनी 80-85 इंटेंसिटी में आपको शैडो प्रैक्टिस करना है, फिर 10-20 सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल रेस्ट करना है, फिर अगेन इस प्रोसेस को आपको 3-4 बार रिपीट करना है। इससे आपको कई अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बॉक्सिंग में बेसिकली आपको 6 चीजों में ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है आपके स्टंस, यू शुड बी स्टंस ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर ब्रीथ। आपको थोड़ा सा स्लाइडली मूवमेंट, बेसिक स्टैंस का बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। बेसिकली हमारा स्ट्रॉन्ग साइड है उसके ऊपर बेस करके इसकी दो भाग है। थोड़ा सा पैर का जो बॉल ऑफ द फील्ड है, आपके टो और बॉल ऑफ द फील्ड उसमें रहेगा पैर, ठीक है जी। हिल जमीन पे टच नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ओके, सेकेंड वन इज आपके जो गार्ड है, ओके कि आपकी कैसे आपकी एल्बो का पोजीशन रहेगा। गार्ड पोजीशन क्या बोलते हैं, गार्ड पोजीशन बेसिकली आपके जो हाथ है वो आपके चेस्ट और रिब केस को कवर करते हुए प्रोटेक्ट करेगा। इससे शैडो की तौर पे तो आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा, बट आपको फील करना है कि कोई अगर पंच करे तो आपको किस तरह से आपकी जो रिब केस है और चेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है। तो ऑलवेज यू शुड बी मेक इट हाई, ओके आपके जो हार्ड है वो हमेशा हाई रहेगा। तो इस तरह से मूवमेंट है, देखो आपके जो फुट वर्क है और जो गार्ड। ओके, तो ये दो था आपके फुट वर्क और गार्ड। अब जो बेसिक चार पंच है उसके बारे में जानेंगे। तो बॉक्सिंग में चार मेन पंच है और इसी के वेरिएशंस होते हैं। तो हमारा जो पहला पंच है उसको बोलते हैं, तो जैब किस तरह से होता है, आपको नॉर्मल स्टंस लेना है। आपके जो बेसिकली आपको थोड़ा सा डायगनल स्टंट लेना है। स्टंस में आपको दोनों पैर शोल्डर के बराबर ऊपर ऐसे नहीं रखना खड़े, थोड़ा सा डायगनली टिल्ट रखना है। ओके, आपके दोनों जो शोल्डर है कभी फेस नहीं करेगा आपके जो ओपोनेंट या आपके जो पंचिंग बैग्स है। ओके, तो आप इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जैब आपके डायगनली जस्ट लेके स्ट्रेट पंच, सिंपल स्ट्रेट पंच। दिस इज जैब, इज बेसिकली स्ट्रेट पंच। ओके, आपको सीधा हाथ को एक्सटेंड करना है और एंड में इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है, क्योंकि आप सीधे एक्सटेंड करेंगे तो इसमें फोर्स का इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपको स्ट्रेट में आपको थोड़ा स्लाइड ले जाके घुमा के आपको इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। ओके, जैब, तो ये था हमारा जैब का। ओके, नेक्स्ट जो है आपके अपर कार्ट, अपर कार्ट लेफ्ट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट अपर कार्ट, राइट हैंड से करेंगे तो राइट अपर कार्ट। तो ये अपर कार्ट बहुत खास मूवमेंट है बॉक्सिंग में, क्योंकि इससे आपकी जो चिन एरिया में यहाँ पे हिट होता है, तो यहाँ हिट होने से आपके नॉकआउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो हमें तो ओपोनेंट नहीं मिलेगा, हमें बस शैडो प्रैक्टिस करना है। तो आपके अपर कार्ड में क्या करना है, जब पंच करेंगे तो हल्का सा थोड़ा स्लाइटली एल्बो डाउन रहेगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा और जब हिट इस तरह से देखिए डाउन रहेगा हिट। लेफ्ट अपर कार्ड, राइट अपर कार्ड, 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 लेफ्ट अपर कार्ड, इस तरह से ये आपका अपर कार्ड मूवमेंट होगा। और फिर जो तीसरा जो आपका स्किल है उसको बोलते हैं हुक। हुक में क्या है कि आपको हाथ को हमेशा ड्रॉप नहीं करना, पैरेलल टू द ग्राउंड नियर अबाउट रहेगा और ये एल्बो हाई रख के जस्ट साइड से मूवमेंट। ओके, आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट हुक, राइट हैंड से राइट हुक, लेफ्ट हुक, राइट, दिस इज लेफ्ट हुक, राइट हुक, लेफ्ट हुक, राइट हुक। तो ये तीन हो गया। और जो लास्ट और फाइनल जो है क्रॉस, सिंपल क्रॉस से हम जाने कि उसकी जेब का एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वेरिएशन है। आपका मूवमेंट हुआ सिंपल जस्ट क्रॉस, इस आपको बॉडी को जस्ट क्रॉस करना है, cross. आपको रेयर लेग से पंच करना है इस क्रॉस, और ये हमेशा थोड़ा सा आपको टिल्ट रहेगा ताकि आप बॉडी को हल्का से गार्ड करना है, क्योंकि अगर आप ये ऊपर नहीं रहेगा नीचे रहेगा इस तरह से तो
आपका फेस ओपन रहेगा, यहाँ पे आप हिट हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर रखना है थोड़ा, ताकि आपका अगर अपने हिट भी करे तो आपके हाथों से वो गार्ड हो जाएगा, और जो रेयर हैंड है वो हमेशा हाई रहेगा एक गार्ड में। तो ये परफॉर्म करके दिखाते हैं, देखिए मूवमेंट मूवमेंट जैब अपरकट जैब कॉम्बिनेशन ऑफ जैब अपरकट हुक जैब हुक क्रॉस तो इस तरह से ये हो गया आपको शैडो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस। अगर ये आप 30 सेकंड्स के लिए से शुरू करके एक मिनट तक के लिए चार सेट करेंगे तो आपके काफी अच्छे से आपके एरोबिक एक्टिविटी का एक्सरसाइज हो जाएगा, और बहुत खास है कार्डियो है, और इसका स्टैमिना इंप्रूवमेंट में भी काफी अच्छा योगदान मिल सकता है। आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा एक पंचिंग बैग के साथ डेमोस करके दिखाएंगे। बेसिकली ये मेरा होममेड पंचिंग बैग है जो मैं घर पे अपने पुराने जीन्स से बनाया हूँ। इसमें अंदर थोड़ा मिट्टी भरा हुआ है। ओके, आप अगर फैसिलिटी अवेलेबल है आप पंचिंग बैग खरीद सकते हैं ऑनलाइन में, और नहीं है तो कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, अन्ना है तो शैडो बॉक्सेस भी काफी है। ओके, जस्ट मूवमेंट बॉक्सिंग ग्लाव के साथ इसको करके दिखाते हैं। तो आई एम रेडी विथ माई पंचिंग ग्लाव। तो आपको चारों ओर पंचिंग स्किल को कॉम्बिनेशन में दिखाते हैं। अब बॉक्सिंग जो पंचिंग बैग है उसके साथ हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। दिस इज जैब 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 क्रॉस 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 हुक 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 एंड अपर कट आज का बॉक्सिंग या आप शैडो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस का सेशन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, और ये काफी खास आपको एरोबिक एक्टिविटी का एक्सरसाइज है। आप विद इन मिनट्स आप खुद को एग्जॉस्ट महसूस करेंगे अगर आप अच्छी इंटेंसिटी के साथ करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।